देखिए वो आईएएस हैं और उनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल एक ईमानदार आईएएस है। दोनों में फ़र्क है। अगर वो आईएएस होते हुए अपना काम बखूबी करते तो यहाँ नहीं। अभी उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ है। सवाल ये उठता है कि जो पैसे आ रहे कहाँ से आ रहे हैं। अब देखा जाए तो एक गाड़ी लगी रहती है पुलिस की जो है साथ में दिल्ली की, और ये यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह आप कह रहे हैं कि राजनीति में उनको कुछ नहीं आता है। आप अगर कहेंगे कि जौनपुर में विकास नहीं हुआ तो किसको आप डिफेंड कर रहे हैं? एक तरह हमारे मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार। माना जाए कि एक आईएएस होते हुए भी जौनपुर के बारे में वो जानकारी से अनजान रह गए। देखिए वो फिल्मी दुनिया की बात कर रहे हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया में। अगर कोई राजनेता बनने की चाह में इस तरीके से बयान दे रहा है तो वो जिस पार्टी से टिकट मांग रहे उसी को ही गर्त में ले रहे हैं। तो आजकल आप देखते होंगे हर जगह होर्डिंगों पे एक ही शब्द लिखा रहता है, देश में एक ही गारंटी, मोदी की गारंटी। और इस मोदी की गारंटी को भुनाने के लिए राजनेता तो लगे ही हैं, साथ में ब्यूरोक्रेसी के लोग भी आ गए हैं, और लोग यह चाह रहे हैं कि बीजेपी से टिकट मिल जाए और वह जीत करके मोदी की गारंटी को भुनाते हुए संसद तक पहुंच जाएं। इसमें हम मौजूद हैं सिराजे हिंद की सरजमी जौनपुर में, और जौनपुर में जहां पूर्व आईएएस हैं कई समाजसेवी हैं, और उमानाथ स्वर्गीय उमानाथ सिंह के बेटे पूर्व सांसद केपी सिंह हैं, कई लोग लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे में एक नाम उभर के आता है आईएएस अभिषेक सिंह का, जो कि लगातार जौनपुर में सक्रिय हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जनता के दिलों में जगह बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में हम बात करेंगे, हमारे साथ है यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी हैं। क्या कुछ समझते हैं इस पूरे प्रकरण को, ये जो चुनावी माहौल है कैसे ये देखते हैं, कौन छवि कितनी गहरी बना पाएगा, क्या कुछ रहेगा समीकरण, हम इनसे ही जारी करेंगे। हसनैन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राजन जी, आपको विशेष धन्यवाद कि जिस तरीके से आप जनता के मुद्दे को उठाते हैं और ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं और आपसे लोग जनता जुड़े हैं, तो इसके लिए आपको धन्यवाद, आपके चैनल को विशेष धन्यवाद। आज चर्चाएं फिर से वही, लोकसभा चुनाव सामने है, और जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि बीजेपी से टिकट की दावेदारी करने वाले एक आईएएस अभिषेक सिंह आ गए हैं, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने एक बयान दिया कि जौनपुर को कोई जानता नहीं। हाँ, जौनपुर बनारस से सटा हुआ, लोग कहते हैं कि बनारस से सटा हुआ है, तो आप क्या कहते हैं, क्या देखते हैं हसनैन कमर, जौनपुर कोई जानता नहीं पहले? ये उनका भ्रम है, उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए कि जहाँ पर सारी सुख सुविधाएँ थी, उनकी शिक्षा दीक्षा तो उच्च बड़े स्कूल में हुई होगी, और जौनपुर जहाँ तक जानते हैं, जहाँ से वो आते हैं वो मेरे ख्याल से फिल्मी दुनिया में उन्होंने कोशिश की, वहाँ भी वो फ्लॉप हो गए। उसके बाद ये ब्यूरोक्रेसी में जब थे तो इनके जो आचरण था, जो एक ब्यूरोक्रेसी का काम होता है, एक आईएएस का काम होता है, वो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से नहीं निभाया, इसीलिए वो सस्पेंड भी हुए, फिलहाल अटैच हैं, और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देके वो नई राजनीतिक पारी अपनी शुरू करना चाहते हैं कि बीजेपी से वो आकर के टिकट लेकर के यहाँ के सांसद बन जाए। ठीक है, लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है, लेकिन आप जौनपुर को बदनाम तो मत करिए। जौनपुर को कौन नहीं जानता, ये शिराज़े हिंद है, ये देश की राजधानी रही है राजन जी। जौनपुर का नाम पूरे विश्व में है, आपको मालूम है नासा में मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर सरोज मिश्रा जी थे, जौनपुर के थे। आपको डीएनए के जनक डॉक्टर लालजी सिंह यहीं थे, यहाँ पूर्वांचल विश्वविद्यालय अरे बीएचयू के वो कुलपत्र है। जौनपुर बहुत बड़ा है, यहाँ कृपा शंकर सिंह मुंबई में जा करके उन्होंने फल बेचा और गृह राज्य मंत्री बने, यहाँ तो हरबंस मतलब ये माना जाए कि एक आईएएस होते हुए भी जौनपुर के बारे में वो जानकारी से अनजान रह गए। देखिए वो फिल्मी दुनिया की बात कर रहे हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया में आ गए, तो वो जब फिल्मी दुनिया के बीच में जाते हैं तो वो पूछते हो तो उनको नहीं पता होगा, क्योंकि उनके उनके पास समय ही नहीं है। आपको पता है मुंबई रात में जागती है, दिन में सोती है। आपको पता है यहाँ पे जौनपुर में ये राजा जौनपुर स्वर्गीय यादवेंद्र दुबे जी हैं, यहीं से बीजेपी के अलग जली है, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हैं, योगी जी से पूछिए ना जौनपुर के बारे में, मोदी जी जानते हैं जौनपुर के बारे में। आप ये कहेंगे यहाँ का यूथ जौनपुर को नहीं जानता, गलतफहमी में है। आपको सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस वैज्ञानिक शिक्षक हर वर्ग में हर चीज़ में शिक्षा के क्षेत्र में, आपको पता है यहाँ पर लोग दुकान नहीं खोलते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन जब उनके पास पैसा तो शिक्षा के अलग जगह करने के लिए डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज और स्कूल खोलते हैं। तो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? आप जिस पुल पे बैठे ना, यहाँ 500 उलमाओं की पालकी निकला करती थी, शिक्षाविद, इसको शिराज कहा गया, शिराज शिराज़े हिंद, जो ईरान का सबसे बड़ा मरकज़ इल्म का कहा गया है, उसका शहर शिराज है इसलिए का। और ऐसे में अगर ये कह रहे तो बचकारी, ठीक है राजनीति आप कहिए, आपको अधिकार है, आप युवाओं को लेके चलिए, ये नाच गाने अट्रैक्शन दिखाइए,
आपका अधिकार है, आप करिए, लेकिन कम से कम जौनपुर को बदनाम तो मत करिए। जौनपुर बहुत बड़ा है, जौनपुर के लोगों ने पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। आपको अगर नहीं पता, आप कहते ठीक है वो काम नहीं हो पाया पूर्व की सरकारों, तो कहते हैं कि विकास भी नहीं हुआ जौनपुर में, जबकि यहीं के राज्यमंत्री हैं कृष्ण यादव, जो कहते हैं लगातार विकास की गंगा बह रही है। यही तो आप कह रहे हैं कि राजनीति में उनको कुछ नहीं आता है। आप अगर कहेंगे कि जौनपुर में विकास नहीं हुआ तो किसको आप डिफेंड कर रहे हैं? एक तरफ हमारे मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, और मैं तो कह रहा हूँ जहाँ आप खड़े हैं, जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उसी पार्टी कमियों को आप गिना रहे हैं। आप देखिए जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे गंदगी हुआ करती थी। ये राज्य सरकार का संकल्प है, गिरीश यादव यहाँ के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, लेकिन विकास की गंगा देखिए बह रही कि नहीं। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय गिरीश चंद्र यादव ने लाया, सरकार की देन है ना। आप देखिए सड़कों का जाल बिछ गया, रिंग रोड का प्रस्ताव है, कई हज़ार करोड़ की योजनाएँ चल रही हैं, जबकि यहाँ पर सांसद नहीं है बीजेपी का, लेकिन कहीं से एहसास नहीं होने दिया इस सरकार ने कि कहाँ पे बीजेपी का सांसद। आप ये श्याम सिंह यादव जी क्या थे, श्याम सिंह यादव बीएसपी से लड़े और संसद में पहुँचे, उन्होंने सवाल उठाए, मुद्दे उठाए, बेबाकी से बात रखी, जनता से अट्रैक्ट नहीं हो पाए। यहाँ के लोग जनता से अट्रैक्ट होना चाहते, अगर सांसद कोई भी प्रतिनिधि अगर जनता से अट्रैक्ट नहीं हुआ तो आपको किनारे गए। स्वामी चिन्मयानंद जी यहाँ से जब सांसद हुए, गृह राज्य मंत्री बने, उन्होंने जौनपुर में बहुत काम किया। डॉक्टर केपी सिंह ने बहुत काम किया, राजकेश्वर सिंह यहाँ से सांसद थे, उन्होंने काम किया, बीजेपी के लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं नहीं काम किया। हाँ ले जिस तरीके से, जैसे आप देखिए शाही किला पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, अब वो काम कर रही है सरकार, तो इसी विज़न को लेकर अगर कोई राजनेता बनने की चाह में इस तरीके से बयान दे रहा है तो वो जिस पार्टी से टिकट मांग रहे उसी को ही गर्त में ले रहे हैं, तो राम भरोसे भैया आप क्या कहा जाए। अच्छा, जिस तरह से हसनैन जी देखा जाए वो लगातार नई नई स्कीमें चला रहे हैं, कभी ई बाइक दे रहे हैं, ई स्कूटी दे रहे हैं, अब किसानों को कह रहे हैं कि निःशुल्क जो है ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। पहले तो कहते हैं उपलब्ध कराया जाए, फिर क्या कहते हैं कि ड्रोन जाएगा छिड़काव करके चला आएगा। तो ये बताइए, ड्रोन जाएगा एक बार छिड़काव करके खेती में चला आएगा, उसके बाद किसानों की जरूरत नहीं होगी? देखिए वो IAS हैं और उनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल एक ईमानदार IAS है, दोनों में फ़र्क है। अगर वो IAS होते हुए अपना काम बखूबी करते तो यहाँ नहीं, अभी उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ है। सवाल ये उठता है कि ये जो पैसे आ रहे कहाँ से आ रहे हैं? अब तक मेरे ख्याल से प्रचार प्रसार अगर माना जाए तो जिस हिसाब से गणेश उत्सव के आपको मालूम है करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा, पांच बसें रोज़ चल रही हैं, ठीक है राम भक्तों को आप दर्शन कराइए अच्छी बात है, लेकिन वो एक स्कीम अपनी अपनी पॉपुलरिटी के लिए कि अपना नाम हो। उनकी एक PR की कंपनी चल रही है जो उनको हर तरीके से वीडियो बना के डाल रही है, चाहे वो ड्रोन का मामला हो छिड़काव करने के लिए। किसान यहाँ का जानता है, यहाँ का किसान बहुत आगे है, आप देख रहे हैं किसान के पास कोई कमी नहीं, वो उसी तरह करेगा। ये ड्रोन और झाके माके पे पड़ने वाले किसान नहीं है, उस ज़मीन से जुड़ा हुआ किसान है। अगर पांच लोग एक घर में हैं तो चार उनके बड़े अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका उद्योग है। आप मुंबई में जाइए ना, जौनपुर उत्तर भारतीयों को वहाँ वर्चस्व देखिए, वहाँ लोग जौनपुर के बड़ी इज्जत से नाम लेते हैं। आपको एक गाँव यहाँ अखंड मणियाहों में एक तहसील, वहाँ का आप जाके लगेगा नहीं कि ये गाँव है, सारे लोग जौनपुर में हैं और सब बड़े उद्योगपति अरबपति लोग हैं, वो जौनपुर से जुड़े हुए हैं। ये अभी जुड़े नहीं हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हवा हवाई लोग आएंगे चले जाएंगे, इलेक्शंस आते हैं चले जाएंगे, इनकी जो लॉबिंग है इसे... क्या लगता है आपको, जिस तरह से अगर अभी तक देखा जाए इन्होंने स्कीम चलाई वीडियो बनाओ ई बाइक पाओ, तो बस क्या किसी ने वीडियो नहीं डाला होगा? एक लड़का आया था उसने बताया कि आधार कार्ड जब आया उसका तो उसको रिजेक्ट कर दिया, क्या कैसे देखते आप इसे? भाई देखिए उनको पता है अगर वो पैसे खर्च कर रहे हैं ई बाइक दे रहे हैं तो अपने PR बनाने के लिए कर रहे हैं, स्कीम अच्छी बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद में आ गए, विवादों से इनका पुराना नाता है। आपको याद है जब इलेक्शन कमीशन ने इनको गुजरात में भेजा था, इन्होंने फ़ोटो वायरल कर ली, तो ये विवादों से इनका ये विवादों के ज़रिए ही अपनी चर्चा में रहना चाहते हैं। हम आप जो आज चर्चा कर रहे हैं ये उसी की दे रहे हैं, तो इनका विवादों से पुराना नाता है, ये कम उसमें अपने चाहते कि मेरी पब्लिसिटी हो और अपना PR बनाने के लिए कर रहे हैं। जौनपुर की जनता जानती है कि जौनपुर के जो चुनाव है ना, मोदी जी के विज़न को लेकर लोग चल रहे हैं आगे, ऐसा नहीं है जौनपुर, यहाँ शिक्षाविद हैं, बड़े बड़े लोग हैं। इनके साथ हसनैन जी देखा जाए तो एक गाड़ी लगी रहती है पुलिस की जो है साथ में दिल्ली की, और ये यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है, ये एक तो बड़ा प्रश्नचिन्ह उठ रहा है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसा है। आपको अगर गवर्नमेंट ने गाड़ी दी है, तमाम सुविधाएं दी हैं, तो ऐसे IAS ऑफिसर आपने दिए, और आप एक IAS ऑफिसर
होने के नाते अभी आपका इस्तीफा आप कहते हैं एक्सेप्ट हुआ आप आइए, तो आप उसको एनर्जी उसके पैसे को धन को बर्बाद कर रहे हैं, तो हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। और मोदी जी कहते हैं खुद कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो सवाल तो उठेगा ही। अब ये गाड़ी है वो कहाँ, उनके साथ जो प्राइवेट लोग चल रहे तमाम अब गांव में जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं, और आप जानते हैं कि पुलिस की एक स्कॉट रहता है तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है, गांव आप जाएंगे तो अट्रैक्शन मिलता है ना, पब्लिक देखती है अरे भाई कौन आया फलां आया या ठीक है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तरीका जो है उनका विवादों में रहा है और आगे क्या होगा भगवान मालिक है। यहाँ बिल्कुल देखिए तो ये वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जो है जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से पूरी बात रखी और साफ तौर पे इन्होंने बताया कि आईएएस अभिषेक सिंह हालांकि जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं और अगर बात करें तो आईएएस रहते हुए उनका कोई काम खास देखने को तो मिला नहीं कि आईएएस रहते हुए उन्होंने कुछ जनता की सेवा कुछ ऐसी की जैसे चर्चाओं में रहे हों। साथ ही वो जब फिल्म इंडस्ट्री में गए तो वहाँ पे भी उन्होंने नाम रोशन नहीं कर पाए, वहाँ पे भी कुछ नहीं बना पाए और अब आ गए हैं राजनीति के क्षेत्र में। अब देखना ये होता है कि क्या उन्हें टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, ये भविष्य के घर में है। फिलहाल हाथ पाँव वो बड़ी तेज़ी से मारते नजर आ रहे हैं।